वृद्ध को हुई गंभीर बीमारी गैंग्रेन, जिला अस्पताल में उपचार जारी। व्यक्ति ने मीडिया के जरिए लोगों से की नशा न करने की अपील। शिवपुरी जिले के पिजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ठूनी गांव के रहने वाले प्रकाश सेन ने बताया कि वह काफी सालों से बीड़ी, तंबाकू और गांजा और शराब का सेवन करता था, जिसको उसको अब गैंग्रेन जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। इस बीमारी में बीमारी से संबंधित अंगों को काटना पड़ता है। प्रकाश को बीते रोज पूर्व उपचार हेतु शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं बीमारी से ग्रसित प्रकाश ने आज रविवार के सुबह 10:30 बजे मीडिया के जरिए लोगों से नशा न करने की अपील की है। नाम है दादा आपका? मेरा नाम है प्रकाश सेन, थुनी से बोल रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? थुनी का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा लगता है? जी थाना कौन सा लगता है? थाना पिछुर लगता है मेरा। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि बीड़ी तम्बाकू पीता था पहले, मैं गांजा भी पिया है मैंने, दारू भी पिए, तो मेरे को ये नुकसान हो गया है कि जो ये रोग फैल गया है। क्या रोग फैला है? जी इसको बोलते हैं गैंग्रेन। ये गैंग्रेन रोग है, इसमें कीड़ा पड़ जाता है। ये बीड़ी पीने से, खाने तम्बाकू खाने से, गुटखा खाने से, पान खाने से, दारू पीने से, अगर इस ना करें ये नशा पत्ती, तो भाई लोग बच सकते हैं नहीं जी, हमारा सब पैर कट जाएगा। अभी तो थोड़ा कटा है, अब यहाँ से भी कट सकता है, क्योंकि जो बहुत बेहद बुरी चीज़ है ये। सबसे प्रार्थना है भाइयों, बीड़ी बीड़ी तम्बाकू दारू मत पियो। डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ जी डॉक्टर ने ये बोला है, बोले जो ये सही हो जाएगा। सही होगा कब? जब इसको जो कटवा लोगे तब सही होगा। हाथ पैर क्यों कटवा रहे हो? इसको बीड़ी तम्बाकू को छोड़ दो ना। डॉक्टर ने ऐसा बोला? हाँ जी डॉक्टर ने बोला। हाँ डॉक्टर ने बोला है कि बीड़ी तम्बाकू को छोड़ दो, आप बीड़ी तम्बाकू मत पियो, क्योंकि इसी के साथ नुकसान है, ये धुआं से दूर रहो। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 40 साल। 40 साल? हाँ 40 से 45 साल है।